सब कुछ उल्टा हो गया। क्या हुआ? सब ठीक है ना? मामू की डेथ हो गई है। ओह, अफसोस हुआ काफी। मैं अम्मी के साथ लाहौर आया हूँ। अच्छा, यानी अपनी उस कजन के साथ हो? हाँ, जूबी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी बहुत डिप्रेशन में है, जिसकी वजह से मैं और अम्मी दोनों बहुत परेशान हैं। मामू की डेथ को वो कबूल नहीं कर पा रही बेचारी। तुम वापस कब आ रहे हो? बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, बस यहाँ कुछ मसले हैं, मामू का घर और कुछ चीजें। अब सब कुछ मेरी और अम्मी की ही जिम्मेदारी है। अच्छा है तुम सारी चीजें निपटा कर ही वापिस आना, ये ना हो तुम यहाँ वापिस आओ फिर तुम्हें जाना पड़े। इसलिए एक बार ही सारे काम खत्म करके फिर वापिस आना। अच्छा आसिम, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे ना बॉस बुला रहे हैं और मैं तुम्हें घर जाके कॉल करती हूँ। बाय। ओके। मुसीबत भी सर पर आ गई, अभी तो मुझे बहुत कुछ मैनेज करना है। कैसे का सब कुछ? खैर देख लूंगी। कितनी कमीनी है ना, और इसे भाई की जरा फिक्र नहीं है। वो मेरा बच्चा मां में पैसों के लिए परेशान फिर रहा, लोग उसकी बेइज्जतियां कर रहे हैं। अरे अगर मेरा बस चले तो सारी दुनिया को आग लगा दूं, सारी दुनिया से पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चे को भेज दूं। कहां छुपा के रखती है ये पैसे वो? मेरे अल्लाह, अरे पैसे तो कुछ मिले लेकिन इनका क्या हो, तो बहुत ही कम है। करो आले आज ये सोनिया, इससे दो टोक बात करूंगी। अरे इसे कोई फिक्र ही नहीं है भाई की, अपनी ऐशो इशरत पे लगी हुई है, और मेरा बच्चा वहां पे जलील हो रहा है। अभी मुझे लगता है कि हमें इसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी, कोशिश करेगी तो इसे नींद आ जाएगी। मैं हूं उसके पास, तुम जाओ। क्या जरूरत पड़ी थी इतना ड्रामा करने की?
पता है, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप अपने साथ तेजाब का ड्रम लेकर आए हैं, मुझे और अम्मा को उसमें डबो डबो कर मारेंगे। मैंने ये भी सोचा था, सच में सुबह मैंने ये भी सोचा कि अगर तुमने मुझसे बेवफाई की या तो मैं खुद को शूट कर दूंगा, मगर उससे पहले तुम्हारे इस हसीन चेहरे को भी बिगाड़ जाऊंगा कि अगर कोई भी तुम्हारे चेहरे की तरफ एक नजर भी देखे तो नफरत से मुंह फेर ले। बेवफाई से बढ़कर मेरी नजर में और कोई जुल्म नहीं है सोनिया, उसके लिए कोई माफी नहीं है। तो नाराज नहीं होना, तुम्हारी पसंद की गाड़ी बुक हुई है। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। सब कुछ तुम्हारा ही तो है सोनिया, इसमें शुक्रिया कैसा। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? वो एकदम से भूख मर गई, शायद खाने का वक्त निकल गया ना इसलिए। अरे तो इतना सारा खाना जाया हो जाएगा, पैक करवा लो इसे।